आसपास के राज्यों की फसल की हरियाणा में बिकवाली को रोकने के लिए सरकार द्वारा सीधे किसानों के खातों में पेमेंट देने का जो निर्णय लिया गया था, इससे नाराज व्यापारियों ने शनिवार को सरकार की ई ट्रेडिंग निर्णय के खिलाफ मंडी में हड़ताल कर दी, जिस कारण गेहूं की खरीद का कार्य रुक गया है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार जब तक इस निर्णय को वापस नहीं लेगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। यहाँ पर आज हम जो गवर्नमेंट कह रही है भी पैसे सीधे जिम्मेदारों अकाउंट में जाएंगे, उस बाबत हम यहाँ पर दफ्तर बैठे हैं और इस बात से ना तो जिम्मेदार खुश है और ना व्यापारी खुश है। जिम्मेदारों के लिए हम उनका ATM है, जिस टाइम भी चाहे जिम्मेदार हम रात को 10 बजे भी आए 11 बजे भी आए वो हमारे से पैसे ले जाता है। अगर पैसे जिम्मेदार अकाउंट में जाएंगे तो उसका काम कैसे चलेगा, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। पेमेंट तो हमारे खाते में आने चाहिए, हम जिम्मेदार को आगे देंगे। जब तक हमारी गवर्नमेंट मांगे नहीं मानेगी हम हड़ताल पर बैठेंगे।